भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मैच से पहले एक और जबरदस्त झटका लगा है और इस बार लगातार जो चोट है इस टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही हावी है भारतीय टीम पर। और श्रेयस अय्यर भी कुछ अच्छी न्यूज नहीं है क्रिकेट के लिहाज से, श्रेयस अय्यर भी चोट की वजह से तीनों टेस्ट मैच से दोस्तों बाहर हो सकते हैं। उनके एक तो बैक में दर्द बताया जा रहा है और एक और कहीं थोड़ा सा दर्द है और डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है। तो श्रेयस अय्यर का ये कन्फर्म हो चुका है कि वह तीसरे टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे और तीसरे टेस्ट मैच से न सिर्फ बाहर रहेंगे बल्कि जो तीन टेस्ट मैच है तीनों से बाहर हो सकते हैं। तो एक बड़ी खबर है क्रिकेट के लिहाज से। एक तो भारतीय टीम के साथ अभी तक टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कौन से प्लेयर फिट है कौन नहीं है, क्या विराट आएंगे, इस पर भी संशय लगातार बना हुआ है। और केएल राहुल की जो इंजरी है उस पर भी एकदम खुल के अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता कि वो वापसी करेंगे या फिर से लगता है तीसरे टेस्ट मैच में भी वो रेस्ट पर रहेंगे। रविंद्र जडेजा का कन्फर्म है वो नहीं खेलेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं जो लगातार भारतीय टीम का पीछा कर रही हैं और इंग्लैंड की टीम है कि जो बेहतर लगातार खिला रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो कन्फर्म नज़र आ रही है, अब जरूर थोड़ा सा श्रेयस और कुछ जो भारतीय टीम मैनेजमेंट है उसके लिए चिंता का सबक हो सकता है। लेकिन जो सरफराज खान के फैन हैं उनके लिए जरूर एक अच्छी खबर है कि वो जरूर खेलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। प्लेइंग 11 में उनकी इस बार जरूर जगह बनेगी क्योंकि वहां पर जो शुभमन गिल को भी एक फायदा हुआ था, लगातार सवाल उठ रहे थे कि उनको बाहर किया जाए और उस टेस्ट मैच में भी उनको बाहर कर दिया जाता दूसरे टेस्ट से, तो शायद उनका शतक भी ना आता और इंजरी एक गिल के लिए एक वरदान साबित हुई है। जडेजा और केएल राहुल का बाहर हो जाना, फिर दूसरे टेस्ट मैच में फिर शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित का कंटिन्यू करना, फिर वहां पर उनका शतक आ जाना, तो उनके लिए वरदान साबित हुआ है। लेकिन यही चीज़ अब अगर आप बात करें सरफराज खान की तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और भारतीय टीम के हिसाब से इतनी बेहतर नहीं कही जाएगी। भले एक चल रहा था कि शायद श्रेयस बेहतर फॉर्म में नहीं है, उनको टीम से बाहर कर देना चाहिए, उनका बल्ला रन नहीं बना पा रहा है और उनकी जगह किसी और प्लेयर को मौका दिया जाना चाहिए, ये भी सच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन श्रेयस अय्यर इस टीम का बड़े इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं और उन पर भी जिस प्रकार से गिल पर पेशेंस बनाए रखा था और अय्यर पर भी ऐसा होता वो जरूर खेलते तीसरे टेस्ट मैच से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो चुके हैं। तो ये समस्याएं हैं भारतीय टीम के साथ जो चोट लगातार पीछा कर रही है और देखना होगा क्या विराट कोहली वापस आएंगे, बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है विराट कोहली का। लगातार आपने अगर न्यूज सुनी हो समझी हो तो उसमें यही एक संकेत मिल रहा कि विराट कोहली अवेलेबल नहीं है और लगातार चोट से बाहर होते जा रहे हैं। मेन रीजन शायद यही हो सकता है अजीत अगरकर के लिए कि टीम का जो अनाउंसमेंट करें वो किस आधार पर करें। अभी अय्यर अब बाहर हुए हैं चोट की वजह से, विराट का कुछ कन्फर्म नहीं है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं लो जो लगातार भारतीय टीम का पीछा कर रही हैं, चोटें हैं और इंग्लैंड है उधर की एक भारत को लगातार बेहतर चैलेंज कर रही है। पहला टेस्ट मैच भारत को हराया था, दूसरे में भारत ने बाउंस बैक किया और इंग्लैंड को शिकस्त दी है, अच्छे खासे मार्जिन से हराया है जरूर। तो रोहित के सामने अब सवाल बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि वो किस टीम के साथ जाना चाहेंगे और उधर अय्यर का बाहर चला जाना, इधर फिर सरफराज खान को मौका दिया जाएगा, रजत पाटीदार ने भी इतना बेहतर किया नहीं है तो क्या रजत पाटीदार के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई और बैट्समैन आ सकता है। और केएस भरत भी एक बड़ी समस्या भारतीय टीम के लिए बने हुए हैं, उनका रन ना करना और दूसरा पहलू ये भी रहा है कि उनकी खराब कीपिंग भी रही है। लेकिन अजीत अगरकर कप्तान तारीफ करनी होगी उनकी, केएस भरत को लगातार मौके दिए हैं, पूरा सपोर्ट रहा है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा मुझे तो नहीं दिखा कि उनके अंदर वो चीज़ नज़र आ रही है कि उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। ईशान किशन के साथ थोड़ा पता नहीं क्या राहुल द्रविड़ की अनमन चल रही है, ये बात क्लियर है क्योंकि वो डोमेस्टिक के लिए शायद बोला था। तमाम तरीके के सवाल निकल करके आ रहे हैं कि उन्हें जा करके घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए था और ये भी राहुल द्रविड़ की थोड़ी बेतुक्का मुझे बात लगती है कि बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं फिर किशन के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको सीधे क्यों नहीं खिलाते, उसे डोमेस्टिक खेलने के लिए आप बोल रहे हैं और बाकी प्लेयर हैं उनको आप लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने श्रेयस के साथ कंटिन्यू किया, आज शुभमन गिल के साथ किया है, केएस भरत को आपने शुभमन गिल से ईशान किशन से भी ऊपर जाकर के बैठा दिया। ईशान के अंदर क्या ऐसा है कि जो नहीं खेल सकते, मुझे लगता है कि ईशान किशन ऐसे एक बैट्समैन है विकेट कीपर है जो अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं और वो जरूर होने चाहिए स्क्वाड में। लेकिन क्या हुआ है और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पीछे की बातें हैं, कुछ शायद ऐसा हो सकता है शायद द्रविड़ का ईगो को हट किया हो, ऐसा भी होता है। भले दूर से आप क्रिकेट देखते हैं वो सारी बातें जो दिखता है वैसा कुछ
होता नहीं है, तो वही चीज़ें हो सकती हैं कि जो राहुल द्रविड़ के साथ कुछ तूतू मैं क्या कुछ हुआ है, वो सारी चीज़ें निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन संकेत जरूर मिला है कि किशन के साथ कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर कब टीम का अनाउंसमेंट करते हैं, उसमें कौन से कोई नया चेहरा दिखाई देगा। ये ज़रूर थोड़ा सा चैलेंजिंग नज़र आ रहा है।